Dear students, I am Feroz Shah, and we are going to discuss the online QCA Sunday test, 1st November 2020. So let us start. Pehla question hai test mein. The force between two charges is this one. Okay. Agar dono charges ke darmiyan distance 10 meter hai, what will be the product of charges? To charge ka product kya hoga? Question kuch is tarah se hai. Pehla question hai ki agar force ki value hai 9 into 10 raised to power 9. अगर डिस्टेंस अमॉन्ग देम इज 10 मीटर सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस द एक्चुअल सॉल्यूशन इज एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर देखें फोर्स की वैल्यू को गौर से देखें तो फोर्स की वैल्यू के इक्वल है देयरफॉर फोर्स एंड के कैन बी कैंसल्ड इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज फोर्स की वैल्यू के इक्वल है अब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इन दिस केस will be equal to square of distance. It means 10 square. The answer is 100. The correct answer of first question is 100, and it is option C. Question number one mein option C aata hai. Question number two. In the test, the energy of an electron is this one. What will be its value in other units? Is tarah ke question ka aasan method ye hai ki aap option ko value mein badal dein. यानी एक एक ऑप्शन उठाकर ये वैल्यू मालूम करें जो इस वैल्यू के इक्वल आएगा वही ठीक होगा तो देखिए ऑप्शन ए में एनर्जी की वैल्यू दी है 1 MeV मैं इसको जौल में कन्वर्ट कर लेता हूं तो अगर ये स्टेटमेंट वाली वैल्यू आ गई तो यही ऑप्शन ठीक है एनर्जी इन दिस रिगार्ड विल बी 1 MeV × 6 ई की जगह हम लिख सकते हैं ई क्वेश्चन है जनाब हाँ एनर्जी है ई की जगह हम लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ और वी की जगह हम वी लिख सकते हैं वी की जगह वी लिख सकते हैं और ये कूलम और वी बन जाएगा तो मेरे भाई एनर्जी हो जाएगी ये 10⁻⁶ इसके साथ ऐड होगा तो 1.6 × 10⁻³३ बन जाएगा और कूलम इंटू वोल्टेज इज इक्वल टू जॉल तो आपने देखा कि स्टेटमेंट में जो जॉल्स की एनर्जी है वो फर्स्ट ऑप्शन से आ रही है देयरफॉर The correct answer is 1 MeV. Option A ही ठीक है बाकी ऑप्शन ट्राई करने की जरूरत नहीं रही थर्ड क्वेश्चन इन द टेस्ट इट सेज के द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल ऑफ 10⁶ इज 2 MeV पोटेंशियल आपको दिया है 10⁶ volts चार्ज की काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 2 MeV 2 MeV बताएं कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी तो एक सिंपल इक्वेशन है इससे हम सॉल्व कर सकते हैं हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज ये स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है इनके मुताबिक काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 MeV चार्ज अननोन है तो इसी तरह लिख के जबकि वोल्टेज कैन बी रिप्लेस्ड बाय 10⁶ volts ये वोल्ट होगा ओके इसको लफ्जों में लिख के 2 MeV रिप्रेजेंट्स 10⁶ ई रिप्रेजेंट्स ई और वी रिप्रेजेंट्स वोल्ट 2 MeV × 10⁶ ई की जगह ई वी की जगह वोल्ट इज इक्वल टू चार्ज 10⁶ volt अब अगर लेफ्ट और राइट साइड पे कैंसलेशन होती है तो कीजिएगा आप देख रहे हैं कि वोल्ट विल बी कैंसल्ड विद वोल्ट फिनिश्ड 10⁶ will be cancelled with 10⁶. Right side pe charge, left side pe 2e. This implies that this data corresponds to a charge of 2e. A charge of 2 times of e. Hence the correct answer in this question is option B. Question number 3 mein option B sahi hai. Next question. Question number 4. Question number 4 in the test says, ke farz karein, what will be the charge ऑफ ऑन 2 μF गिवन सर्किट गिवन सर्किट में आपको 2 कैपेसिटर्स दिए हैं आप देखिएगा आपके पास टेस्ट होगा टेस्ट में 2 कैपेसिटर्स हैं इधर 9 वोल्ट का वोल्टेज है और 9 वोल्ट के वोल्टेज के साथ दोनों कैपेसिटर जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं ये 2 μF है और ये है जनाब 1 μF ये 1 μF है आपसे कह रहे हैं कि भाई इसका चार्ज क्या होगा तो आप देख रहे हो कि कनेक्शन इज ऑफ सीरीज कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन में
सारे कैपेसिटर्स पर सेम चार्ज स्टोर होगा। इसका मतलब है कि हमें आपको टोटल चार्ज मालूम करना पड़ेगा, वही टोटल चार्ज इस कैपेसिटर पर भी होगा, इस पर भी होगा। सो लेट अस फाइंड इट। भाई टोटल चार्ज हमेशा होता है टोटल कैपेसिटेंस टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज तो हमारे पास 9 है। टोटल कैपेसिटेंस सीरीज में मालूम करें, देखो वोल्टेज की जगह तो 9 आएगा, वोल्टेज की जगह 9, लेकिन कैपेसिटेंस क्या मालूम करेंगे? तो आप समझ रहे हैं कि फॉर सीरीज कम्बिनेशन 1/net capacitance इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। इट मीन 1/C इज इक्वल टू 1/2 + 1/1। 1/C इज इक्वल टू 2 LCM आएगा, तो इससे बनेगा जनाब 1 + 2। 1/C इज इक्वल टू 3/2 और C इज इक्वल टू 2/3। इधर हम पुट कर सकते हैं 2/3 एज अ टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कनेक्टेड सर्किट। जनाब ये 3 इज कैंसल विद 9, 3, इट मीन द आंसर इज 6। आंसर तो 6 आ रहा है, लेकिन गौर कीजिएगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं इसमें 6 है ही नहीं, नॉन है आंसर, ठीक है, लेकिन इसमें जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि ऑप्शन होना चाहिए था, ऑप्शन ए है 6 कूलम, ऑप्शन बी होना चाहिए था 9 कूलम, ऑप्शन सी होना चाहिए था 2 कूलम और ऑप्शन डी होना चाहिए नॉन ऑफ दीज। तो ज़्यादातर स्टूडेंट 6 कूलम ले लेंगे। यकीन करें 90% स्टूडेंट का ऑप्शन ए होगा, 6 कूलम अगर 6 होता तो, लेकिन फिर भी गलत है। द करेक्ट आंसर इज अगेन 9, नॉन ऑफ दीज ऑप्शन डी। व्हाई, व्हाट्स द रीज़न? रीज़न ये है कि हमने कैपेसिटेंस माइक्रोफेराड में पुट किया है, तो ये जो होगा ये माइक्रोफेराड में होगा, और अगर इधर वैल्यू में माइक्रो शामिल है तो आंसर भी माइक्रो कूलम में होगा, कूलम में नहीं होगा। आई थिंक आपको आइडिया तो क्वेश्चन मिल गया कि बेशक इससे 6 वैल्यू आएगी, लेकिन अगर ऑप्शंस में 6 कूलम होता तो भी गलत होता, फिर भी हम नॉन ले लेते। उसकी वजह यह है कि 6 कूलम नहीं, 6 माइक्रो कूलम आंसर होगा। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, नॉन ऑफ दीज। वो तो वैसे भी आसान हो गया क्योंकि ऑप्शन ए में सिर्फ 1 कूलम लिखा, यानी कूलम मीन 1 कूलम, 9, 2 कूलम ये तो है ही नहीं, इट मीन नॉन ही लोगे आप, पर अगर ऑप्शन ए में 6 कूलम होता फिर भी ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इन द टेस्ट सेज व्हेन 2 चार्ज बॉडीज आर कनेक्टेड बट करंट इज 0। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है भाई कि 2 चार्ज बॉडीज कनेक्टेड हैं, करंट नहीं है, तो करंट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जब पोटेंशियल सेम हो जाते हैं तो करंट स्टॉप हो जाता है, और जब एक पोटेंशियल हाई एक लो तो हाई से लो की तरफ करंट फ्लो करता है। तो इट मीन अगर करंट नहीं है तो लेफ्ट और राइट या दोनों साइड्स पर पोटेंशियल सेम है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पोटेंशियल, इट विल बी पोटेंशियल, एंड हिंस ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन क्यू एट द सेंटर। आपको फिगर मिला है, इधर एक क्यू है, इधर एक क्यू है, इधर एक क्यू है और इधर एक क्यू है और सेंटर में एक क्यू है, जबकि ये कहा गया है कि ये फिगर फॉर्म्स अ स्क्वायर। आप बताएं इस पर नेट फोर्स क्या होगा? तो भाई नेट फोर्स का पता तब चलता है जब इंडिविजुअल फोर्स के डायरेक्शंस और इंडिविजुअल फोर्स के वैल्यूज आपको पता हों। ये फोर्स चार्ज पॉजिटिव ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा विद द फोर्स ऑफ एफ, लेकिन ये तो वही है पर इस कारण के पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इस पर है, और ये भी पॉजिटिव है तो रिपल्शन इस तरफ होगी। इट मीन अगर ये एफ है तो ये भी एफ है और दोनों का अपोजिट डायरेक्शन बनता है, सो दीज फोर्सेज विल बी कैंसल्ड। अगर ये कैंसिल होंगे तो इसी तरह ये इसको रिपेल इस तरफ करेगा विद फोर्स एफ, एंड सिमिलरली वही चार्ज इधर है तो इसको इस तरफ रिपेल करेगा विद फोर्स एफ, ये भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं, सो दे विल कैंसिल ईच अदर वंस अगेन, एंड हिंस द नेट फोर्स ऑन दिस सेंट्रलाइज्ड चार्ज इज 0। ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूं, लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 इन द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इंटेंसिटी आपके ख्याल में क्या हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इसका सिंपलिस्ट एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं, ये है जनाब इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्होंने कहा है कि बात इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर नहीं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड मीन यू हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन
or you have to find a reason for the answer inside of electric field. Okay, so let us consider it is an electric field. ठीक है, अगर मैं एक horizontal surface ले लूँ तो इस सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं, ये आप जानते होंगे. इक्वी पोटेंशियल मीन के पोटेंशियल सेम है, सेम पोटेंशियल पे है, और इस सरफेस पर के हर पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा. 10 वोल्ट इधर है तो इधर भी होगा, इधर भी, पूरे हॉरिजेंटल सरफेस में. अब खुद बता दें कि इस पूरे लाइन पर, इस पूरे सरफेस पर इंटेंसिटी जीरो हो सकती है. आप कहोगे सर इनसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती. हाँ, ये बात सही है कि ये लोकेशन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी सोर्स चार्ज से सेम डिस्टेंस पर हैं. यानी अगर आप इस फील्ड को इधर पॉजिटिव से ले रहे हो तो भी ये सेम डिस्टेंस से हैं, अगर इधर नेगेटिव से ले रहे हो तो भी ये सारे पॉइंट सेम पे हैं. इट मीन जो इंटेंसिटी इधर होगी वही इंटेंसिटी इधर होगी, वही इंटेंसिटी इधर होगी वही इंटेंसिटी इधर होगी. लिहाजा इक्वी पोटेंशियल सर्फेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पूरे इक्वी पोटेंशियल सर्फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट होगी. एंड हिंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन बी ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 से कि आपको एक ग्राफ मिला है, बताओ कि इस ग्राफ में क्वांटिटी एक्स क्या शो करता है. तो आप खुद देखिएगा, ये वोल्टेज है, कैपेसिटर से रिलेटेड एक ग्राफ है और इधर क्वांटिटी एक्स है. ये पूछा गया है एक्स क्या हो सकता है. शेप ऑफ द ग्राफ हॉरिजेंटल है. गौर करें हॉरिजेंटल शेप क्या शो करता है. हॉरिजेंटल शेप ये शो करता है कि हम पोटेंशियल जितना भी इंक्रीज करें, ये एक्स ऐसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है. हॉरिजेंटल शेप मीन कि पोटेंशियल के इंक्रीज के साथ साथ इस एक्स क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा. अब ऑप्शन में जाते हैं. पहला है इसमें ऑप्शंस में से है कि चार्ज. तो भाई अगर ये चार्ज होता तो हम सब जानते हैं कि पोटेंशियल और चार्ज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है और डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ इस तरह होता है, हॉरिजेंटल नहीं होता. तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया. अब नेक्स्ट है, इसमें चार्ज के बाद, कैपेसिटेंस है. कैपेसिटेंस हो सकता है. रीजन क्या है? क्योंकि गोल्डन वर्ड्स है अबाउट कैपेसिटेंस that there is no relation between capacitance and voltage. आप सब जानते हैं there is no relation between capacitance and voltage. So it means के voltage को आप increase करो decrease करो, capacitance of capacitor in use की जो ability है वो same रहेगी. So ये shape सिर्फ capacitance का हो सकता है. तीसरे option में energy है. आप जानते हैं कि energy is also directly proportional to voltage and charge is also directly proportional to voltage. Because of the direct relation with energy and charge, the graph shape must be inclined and hence yahan par horizontal shape sirf capacitance ka ho sakta hai because it has no relation with the voltage. It mean the correct answer is option b. option b hamare liye theek hai. next question hai, question number 9 says ke kaun sa substance hai jo photoconductor hai. aluminium metal hai always conductor, copper metal hai always conductor, iron metal hai always conductor, सिलीनियम ही वो मटेरियल है जो लाइट में कंडक्टर और डार्क में इंसुलेटर होता है, जो फोटोकॉपियर में यूज होता है एज अ सिलेंडर. तो आप समझ गए हो, सिलेंडर कवरिंग, क्लेडिंग ऑफ सिलेंडर यूज होता है. सिलीनियम, ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है जनाब? इसमें है कि एक स्फीयर है, उसके अंदर थ्री चार्जेस हैं, थ्री चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक प्लस क्यू वन, दूसरा प्लस क्यू वन, तीसरा माइनस क्यू वन. बताओ कि इससे जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा. तो खुद देख लें, ये आपके लिए वो स्फेयर हो गया. अब इनके गिवन डेटा के मुताबिक इसके अंदर प्लस क्यू वन है, एक और प्लस क्यू वन है और एक माइनस क्यू वन है. तो इन तीनों चार्जेस की मौजूदगी में इस स्फेयर के सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा.
तो जनाब गॉस लॉ के मुताबिक क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो होता है जनाब नेट चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन गॉस लॉ कहता है। अब नेट चार्ज क्या होगा, तो एक प्लस क्यू वन एक माइनस क्यू वन को कैंसिल करेगा, इट मीन द नेट चार्ज इज प्लस क्यू वन, देयर फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस रिगार्ड विल बी प्लस क्यू वन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। द आंसर इज प्लस क्यू वन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट या प्लस क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में जनाब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इन द टेस्ट सेज के द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस फॉर अ कैपेसिटर इन वैक्यूम। क्वेश्चन ये है जनाब कि कैपेसिटेंस इन फॉर अ कैपेसिटर इन मीडियम एंड वैक्यूम लिखा है, इन वैक्यूम पहले वैक्यूम में है डिवाइड बाय कैपेसिटेंस इन मीडियम, ये रेशियो क्या होगा। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉन, ऑप्शन डी। अब रीजन क्या है, याद रखिएगा कि कैपेसिटेंस का वो वैक्यूम में और मीडियम में जो रेशियो होगा वो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के टर्म्स में होगा, वो एप्सिलॉन नॉट में भी नहीं होगा, वो एप्सिलॉन में भी नहीं होगा, वो एप्सिलॉन आर में होगा। और ऑप्शन में कोई एप्सिलॉन आर है नहीं, वन ओवर एप्सिलॉन आर नहीं है या एप्सिलॉन आर नहीं है, देयर फॉर नॉन ऑफ दीज, आंसर तो नॉन है। प्रूफ चाहते हो तो भाई प्रूफ भी कर सकते हैं, हम जानते हैं कि सी इन वैक्यूम और सी इन मीडियम, सी होता है जनाब ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी, अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम है तो ए एप्सिलॉन बाय डी हो जाएगा। अब देखिएगा ये होगा जनाब ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी मल्टीप्लाई बाय डी डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन, तो डी डी ए ए कैंसिल, इट मीन ये रेशो हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन ऊपर होता एप्सिलॉन नॉट नीचे होता तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन अगर एप्सिलॉन नॉट ऊपर है और एप्सिलॉन नीचे तो इट इज वन ओवर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज वन ओवर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड हिंस द करेक्ट आंसर इज नॉन ऑफ दीज, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कोई ऑप्शन नहीं गिवन, ऑप्शन डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 सेज, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इफ सोप बबल इज चार्ज्ड, भाई सोप बबल को आप चार्ज करोगे तो इसके अपोजिट सर्फेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और बिकॉज ऑफ रिपल्शन इट्स साइज इंक्रीजेस, हिंस इन क्वेश्चन नंबर 12 द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन सेज थ्री रेजिस्टर्स हैं तीनों आर हैं, बताएं कि वो किस कम्बिनेशन में होंगे अगर उनसे नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आर बाई थ्री मिले। कॉमन सेंस की बात है भाई, आर बाई थ्री मीन के रेजिस्टेंस कम हुआ है तो ये सीरीज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है डिक्रीज नहीं करता, तो कन्फर्म ये पैरेलल है, इट इज़ कन्फर्म पैरेलल। अब सोच लेते हैं अगर पैरल है तो प्रूफ भी कर लेते हैं, पैरल है क्योंकि R बाई थ्री मीन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस जो कि पैरल में होता है। एनी हाउ आपके लिए आंसर होगा इसका बी, प्रूफ ये होगा कि भाई वन ओवर आर डैश इज इक्वल टू वन ओवर आर प्लस वन ओवर आर प्लस वन ओवर आर, इट मीन वन ओवर नेट रेजिस्टेंस थ्री टाइम्स ऑफ वन ओवर आर, आर आर डैश इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई थ्री। देखिए पैरल कम्बिनेशन से ही हमें आर बाई थ्री मिल रहा है, इट मीन 13 में ऑप्शन ए ठीक है, सॉरी बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी द क्वेश्चन इज 14, क्वेश्चन 14 वी हैव टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस, वी कैन यूज व्हाट, तो वो सारे यूज कर सकते हो जो फॉर रेजिस्टेंस मेड है, यू कैन यूज व्हीटस्टोन ब्रिज, यू कैन यूज ओहम मीटर, सो इट मीन पोटेंशियोमीटर गलत है, ओहम मीटर और व्हीटस्टोन ब्रिज ठीक है, इट मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बोथ both B and C. Question number 14 cover ho gaya. Question number 15. What will be question number 15? 15 says that we have two conductors. Okay. Do alag conductors hain. Ek ka resistance dusre ke double hai. Theek hai. Ek ka voltage bhi dusre ko double diya. Dusre ko jitna voltage diya, pehle wale ko double voltage diya. To bhai is tarah solve karein. Ek hai conductor 1 aur ek hai कंडक्टर टू, कंडक्टर वन और कंडक्टर टू ठीक है, इसका रेजिस्टेंस अगर इसका रेजिस्टेंस आर है फर्ज करो, तो पहला रिलेशन सेज कि कंडक्टर वन का रेजिस्टेंस उसके डबल है, आर वन इज डबल ऑफ दैट, सो
तो देयर फॉर अगर ये आर है तो ये डबल ऑफ आर, गौर कीजिएगा। फिर कह रहे हैं कि इसको जो वोल्टेज मिला है वो वी है, तो इसको इसके डबल वोल्टेज मिला है टू वी है। बताओ कि इनके करंट्स का रेशो क्या होगा, इनके करंट्स का रेशो क्या होगा, या इनके करंट के दरमियान रिलेशन क्या होगा। साथ दीजिएगा, करंट रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली है, करंट की बात करेंगे ना। तो जनाब करंट फर्ज करें, इधर लिख लेता हूं, करंट की बात करोगे तो फर्ज करो कंडक्टर टू में करंट आई है, फर्ज करो कंडक्टर टू में जो करंट है आई टू वो आई है, कंडक्टर टू का करंट आई टू फर्ज करो आई है। कंडक्टर वन के पास आते हैं, जब कंडक्टर वन का रेजिस्टेंस डबल हो गया तो इसका करंट इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डबल करंट हाफ। लेकिन कंडक्टर वन का जो वोल्टेज है वो भी डबल हो गया, और वोल्टेज और करंट डायरेक्टली है तो रेजिस्टेंस का डबल करंट को, यानी इतना करंट है रेजिस्टेंस डबल तो करंट दरमियान हाफ हो गया, फिर वोल्टेज डबल तो करंट वंस अगेन फिर ज्यादा हो गया। इट मीन कि डबलिंग द वोल्टेज विल मेक करंट डबल एंड डबलिंग द रेजिस्टेंस विल मेक करंट हाफ। तो इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आई है, रेजिस्टेंस को डबल करने से आपने इसके नीचे टू लगा दिया, और वोल्टेज डबल करने से आपके इसके साथ ऊपर टू लगा दिया, सो इट मीन टू टू कैंसल, सो कंडक्टर वन का जो करंट है आई वन वो भी क्या रहेगा, वो भी आई रहेगा, एंड हिंस द करेक्ट आंसर इज आई वन इज इक्वल टू आई टू, ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर, बल्कि करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, एक कंडक्टर है जनाब, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे है, अंडरगोज 100% इंक्रीज इन करंट। लॉजिकल क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं कि एक कंडक्टर है, साथ में शर्त यह है कि टेम्परेचर साहब कांस्टेंट होते हैं, और आपने पढ़ा है कि एक कंडक्टर का जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप उससे करंट 1000 गुना इंक्रीज करें या 100 टाइम्स इंक्रीज करें, करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम वोल्टेज करता है इस केस में, और एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। देयरफॉर अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर करंट 100% बढ़ गया है तो इसकी वजह रेजिस्टेंस नहीं वोल्टेज होगा, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस हाफ गलत है, रेजिस्टेंस 4 टाइम गलत है, 1/4 गलत है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन नॉन ऑफ दीज, बिकॉज द 100% इंक्रीज ऑफ करंट करिस्पॉन्ड्स टू द 100% इंक्रीज ऑफ वोल्टेज, नॉट दैट ऑफ एनी डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। देयरफॉर The correct option is option D. Let us talk about question number 17 in the test, and that is 1 mho is equal to. भाई नाम से ही clear है, जब आप मोह ले रहे हो तो गौर करें स्पेलिंग देखें, अगर हम इसको reciprocal बना दें तो M first में है तो last में, H second तो second, O last में है तो first, it mean के मोह actually reciprocal of ओहम है, एंड रिसिप्रोकल को हम फिजिक्स में इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं, रिसिप्रोकल मीन इनवर्स, देयरफॉर मोह इज द इनवर्स ऑफ ओहम, मोह इज द इनवर्स ऑफ ओहम, एंड द इनवर्स ऑफ ओहम इज ओहम इनवर्स, ओहम माइनस वन, इट बीन द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द स्लोप ऑफ ओहमिक कर्व इज इक्वल टू व्हाट, आप जानते हैं कि स्लोप ऑफ ओहमिक कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू 1/r, ये 1/r के बराबर है, क्योंकि ओहमिक कर्व इसको बोलते हैं कि वर्टिकल एक्सिस पे करंट हो, हॉरिजॉन्टल पे वोल्टेज हो, बिकॉज वोल्टेज इंडिपेंडेंट है और करंट डिपेंडेंट है। इससे जो कर्व, जो ग्राफ आता है ओहमिक कर्व कहते हैं इसे, इसका स्लोप लेने के लिए परपेंडिकुलर और बेस लेने, तो परपेंडिकुलर पे करंट है, बेस पे वोल्टेज है, इट मीन के स्लोप आपको मिलेगा आई बाई वी, आई की जगह आई एंड वी कैन बी रिप्लेस बाई आई आर, आई आई कैंसिल, इट मीन द स्लोप इज 1/r, स्लोप हमारे पास होगा 1/r, एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18 इट इज ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में है कि द करेक्ट यूनिट ऑफ टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस इज बाई टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस डेल्टा आर बाय आर नॉट डेल्टा टी है, तो रेजिस्टेंस और आर के यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन के सिर्फ केल्विन इनवर्स या सेंटीग्रेड इनवर्स हो सकता है, हिंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 19 नंबर में आता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन में है कि द डायमेंशन ऑफ ओहम इनटू मोह इज, भाई ओहम और मोह इन दोनों का कंबाइंड डायमेंशन क्या होगा? तभी आपने पढ़ा, टॉपिक में भी पढ़ा होगा कि मोह इज द रिसिप्रोकल ऑफ ओहम और रिसिप्रोकल एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो इट मीन यू आर आस्किंग अबाउट डायमेंशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट वन, और हर कॉन्स्टेंट का डायमेंशन एम जीरो एल जीरो टी जीरो होता है, हिंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 21, द डायमेंशन ये हो गया। 21 सेज इन अ सर्किट टर्मिनल पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, द जनरल फॉर्म ऑफ सर्किट्स टर्मिनोलॉजीज इज EMF is equal to IR plus terminal potential. So if you are asking about terminal potential, this implies that terminal potential is equal to EMF minus IR. Hence the correct answer of the question is option C. Option C ठीक है। Next question देखें। Question number 22. Question number 22 says that the net resistance in the given circuit will be, देखिए जनाब एक रेजिस्टेंस इधर है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस इधर है और एक रेजिस्टेंस इधर है, यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट ए है, ए और बी के दरमियान नेट रेजिस्टेंस क्या होगा जबकि ये सारे रेजिस्टेंसेस आर 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 हैं? तो पहले दो पैरेलल में हैं, इसके बाद इसके साथ तीसरा सीरीज में है, इनका पैरेलल लोगे तो वन ओवर आर डैश इज इक्वल टू वन ओवर आर प्लस वन ओवर आर, दिस इंप्लाइज वन ओवर आर डैश इज इक्वल टू टू बाई आर या आर डैश इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई टू, फिर इसके साथ सीरीज लोगे तो आर बाई टू प्लस आर यानी रेजिस्टेंस आर डबल डैश टोटल नेट रेजिस्टेंस ये टू हो जाएगा, टू मीन टू ये आर प्लस टू आर, द करेक्ट आंसर इज थ्री आर डिवाइड बाई टू, थ्री आर डिवाइड बाई टू एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या है? द सोर्स ऑफ ई एम एफ कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू वोल्टेज इज बैटरी, बैटरी में केमिकल एनर्जी यूज होती है टू कन्वर्ट इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वोल्टेज, हिंस द करेक्ट ऑप्शन इन द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 सेज दैट द नेट रिज, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास डिस्कस हो गया, द सोर्स ऑफ ओके 24, द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ये तो डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन 22 जो था ये 24 था एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 22 जो मैंने डिस्कस किया वो क्वेश्चन 24 था। अब 24 पर मैं क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि वो बीच में रह गया था। क्वेश्चन नंबर 22, द शेप ऑफ ओहमिक कर्व फॉर मेटल्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, ओहमिक कंडक्टर्स एंड ओहमिक कंडक्टर्स के लिए शेप हमेशा इंक्लाइंड होता है ओहमिक कर्व का, तो 22 में आंसर आता है इंक्लाइंड, 22 में आंसर आता है इंक्लाइंड और ऑप्शन डी ठीक है। ये जो पहले हमने डिस्कस किया ये सामने जो है ये क्वेश्चन नंबर 24 था। अब 22 डिस्कस किया, 23 ऑलरेडी बता दिया, सो लेट अस मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25। एंड क्वेश्चन नंबर 25 सेज के जंक्शन रूल है इज बेस्ड ऑन व्हाट, जंक्शन रूल किरचॉफ फर्स्ट लॉ है और किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट मीन करेक्ट आंसर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हिंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डायमेंशन ऑफ वी स्क्वेयर ओवर आर टी, बाई द डायमेंशन ऑफ वी स्क्वेयर ओवर आर इन टू टी इज, बजाय इसके के यूनिट्स पुट करें, अपने लिए याद करें कि वी स्क्वेयर ओवर आर रिप्रेजेंट्स पावर और प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम इज वर्क, क्योंकि आप जानते हैं ना कि पावर इज इक्वल टू वर्क पर टाइम, तो टाइम इधर ले आए तो पावर इन टाइम इज वर्क और वर्क रिप्रेजेंट्स एनर्जी, देयर फॉर वी स्क्वेयर बाय आर पावर और टी की जगह टी, तो पी टी का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू वर्क आर मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी, हिंस द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर
7. Question number 27 says, question 27 कह रहा है कि for a charging capacitor, R by T किस चीज़ के इक्वल होगा? भाई R by T की वैल्यू मांग रहे हैं. आप सब जानते हैं कि RC is equal to T. Therefore, T इस तरफ ले आए तो R by T is equal to 1 over C. Hence, the correct answer of the question is option B. Question number 27 में option B ठीक है. Question number 28, इसमें क्या है? 28 number question says कि एक charge Q is placed beside a sphere of radius R. The electric flux will be. हमारे पास एक closed surface sphere है. ठीक है. हमने इसके आसपास एक charge Q रखा. तो इस sphere से flux कितना होगा? अब गौर से देखें. जो line of Q sphere में enter होगा, तो वो लाइन स्फीयर से बाहर भी जाएगा. अगर ये लाइन इधर एंटर हुआ तो यही लाइन इधर बाहर भी जाएगा. इधर से कोई लाइन एंटर हुआ, इधर से बाहर जाएगा. इट मीन कि अगर प्लस 3 एंटरिंग फ्लक्स है तो माइनस 3 लीविंग फ्लक्स होगा. एंड द टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इन दिस केस विल बी प्लस 3 माइनस 3 मीन 0. तो भाई क्लोज सरफेस से बाहर रखे हुए चार्ज का कोई फ्लक्स पास नहीं होता, जीरो फ्लक्स. इट मीन द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 28 इज जीरो, व्हाइल द करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 29, एक वायर है जिसका लेंथ 10 मीटर है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और 90 न्यूटन द पार्ट ऑफ करंट एंड इंटेंसिटी इज. ये 90 न्यूटन नहीं है जनाब, ये 80 न्यूटन है, लेकिन ये प्रिंट में 8 की जगह 9 प्रेस हो गया है, इसलिए शायद आपको आंसर ना मिले. एनी हाउ क्वेश्चन है कि भाई लेंथ ऑफ वायर 10 मीटर है, अगर 90 परपेंडिकुलर मीन एंगल इज 90 डिग्री, बताओ कि करंट और इंटेंसिटी का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा अगर इस पर फोर्स लगेगा 90 न्यूटन. अब चूंकि स्टेटमेंट में 90 है तो देयरफॉर 90 इंटू 10 का लेते हैं. आई भी मालूम करना है. आप जानते हो कि फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा. फोर्स की जगह 90, करंट और बी एक साथ कर लें, एल की जगह हम 10 ले सकते हैं और साइन 90, साइन 91 रहने दें. अब ये जीरो इस जीरो को कैंसिल करेगा. इट मीन द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड बी इज 9. चूंकि इसमें कोई 9 नहीं है लिहाजा आप नॉन लोगे. मतलब ये है कि अगर स्टेटमेंट में ये 80 होता तो ऑप्शन ए ठीक होता, लेकिन अब 80 नहीं आया, गलती से आया या सही आया, लेकिन आया तो 90 है. That's why the correct answer we will consider is none of these. The question hai 29. Yeah. And I am talking about question number 9. And I will say that the correct answer in this case will be option D. Aapko ki mein shayad galti mile. Is wajah ye hai ki ye 90 nahi bhai 80 hai. Aap isko 80 put karein, you will get option A. Method maine bata diya. Agar statement mein 90 hai, for you that the answer will be none. And if statement mein 80 hoga, then option A. Method yehi hai. क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि वी हैव 10 ओहम, 20 ओहम, 30 ओहम रेजिस्टर फॉर लो रेंज एमीटर. देखो एक रेजिस्टेंस 20 ओहम है, एक 30 ओहम है और एक साहब है 10 ओहम. अब एमीटर बनाने के लिए अगर आपसे कोई कहे कि हाई रेंज एमीटर बनाना है तो रेंज और शंट रेजिस्टेंस इन्वर्सली है एमीटर के. तो जितना हाई रेंज तक जाना चाहते हो रेजिस्टेंस कम से कम लो, और जितना लो रेंज लेना चाहते हो तो रेजिस्टेंस हाई से हाई लो. सो एमीटर के हाई रेंज नहीं कहा, लो रेंज कहा है. सो फॉर लो रेंज शंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, लिहाजा इनमें से 30 ओहम पे सबसे लो रेंज एमीटर बनेगा. एंड हिन्स द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 30 ओहम, विच इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 31, I'm talking about question number 31, and that is an electron projected in a magnetic field at 30 degree will experience force. तो भाई चार्ज पर जो फोर्स होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा. अब फोर्स की वैल्यू बता दो, इलेक्ट्रॉन है तो क्यू विल बी रिप्लेस्ड बाई ई, वी की जगह वी, बी की जगह बी, और एंगल 30 दिया है तो साइन 30. साइन 30.5 होता है, सो द करेक्ट आंसर इज 0.5 टाइम्स ऑफ ई वी बी. And hence the correct answer in this regard is option B is correct. Question number 32 says के mathematical form of Ampere's formula is. बहुत ज़्यादा students ने option A लिया होगा, लेकिन option A Ampere
एम्पेयर लॉ है, वो एम्पेयर फार्मूला नहीं है। इनमें कोई भी एम्पेयर फार्मूला नहीं है। 32 में जो फार्मूला है एम्पेयर फार्मूला, वो है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr। इस इक्वेशन को एम्पेयर फार्मूला बोलते हैं, जबकि समेशन बी डॉट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये एम्पेयर लॉ है। दोनों में फ़र्क समझ ले, एम्पेयर फार्मूला एंड एम्पेयर लॉ। इन्होंने एम्पेयर फार्मूला मांगा है, एम्पेयर लॉ नहीं मांगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एंड वंस अगेन यू विल फेस नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 33, आई वॉन्ट टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि वर्किंग प्रोसेस वी कनेक्ट वोल्टमीटर इन, बाई वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है और वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है। सो फॉर वर्किंग प्रोसेस यू हैव टू कनेक्ट वोल्टेज वोल्टमीटर इन पैरेलल। सो 33 में आता है पैरेलल कनेक्शन, एंड हिंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 सेज के गैल्वेनोमीटर कैन बी मॉडिफाइड टू, गैल्वेनोमीटर से क्या क्या बन सकता है। एमीटर में गैल्वेनोमीटर है, वोल्टमीटर में गैल्वेनोमीटर है, ओहममीटर में गैल्वेनोमीटर है, मल्टीमीटर में गैल्वेनोमीटर है, इवन इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर में गैल्वेनोमीटर है। इट मीन गैल्वेनोमीटर कैन बी मॉडिफाइड टू ऑल ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन। इट मीन द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, एंड क्वेश्चन नंबर 35 इज ये है कि थर्मिस्टर्स आर मेड ऑफ सेमी कंडक्टर्स। थर्मिस्टर्स को हम सेमी कंडक्टर से बनाते हैं, और इसीलिए तो थर्मिस्टर्स का मोस्टली टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है, सेमी कंडक्टर से बनता है। एंड हिंस द करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है जनाब, 36 में है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो, दीज आर इमेजनरी, ये रियल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो रियल के ऑप्शन तो गलत हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड के लाइन्स क्लोज होते हैं, आप जानते हैं, देयर फॉर द करेक्ट आंसर इज इमेजनरी एनक्लोज, हिंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 सेज के द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फैराडेज लॉ, क्योंकि फैराडे लॉ कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्वांटिटेटिव है, लेंज लॉ एम्पेयर्स लॉ। देखिए जनाब, फैराडेज लॉ सेज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ये फैराडे लॉ है। एक मिनट, लेंज लॉ तो सिर्फ लेंज लॉ का तो ताल्लुक क्वांटिटेटिव है ही नहीं, तो भाई लेंज लॉ जो है ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, इसलिए लेंज लॉ तो बिल्कुल गलत, ऑप्शन ए फैराडे लॉ है। सारे मेंशन कर लेता हूं, ऑप्शन बी लेंज लॉ तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेंज लॉ में क्वांटिटेटिव कोई बात ही नहीं की गई, एवरीथिंग इज क्वालिटेटिव इन लेंज लॉ। ऑप्शन सी देखिए, गौर करें, एम्पेयर लॉ में फ्लक्स का जिक्र ही नहीं है, एम्पेयर लॉ में मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विद लेंज मी नॉट आई है, तो एम्पेयर लॉ का ताल्लुक ही फ्लक्स से नहीं है जनाब, ये क्वांटिटेटिव है बट नॉट रिलेटेड विद फ्लक्स, ये क्वालिटेटिव है, इसमें क्वांटिटेटिव कुछ नहीं है। अब ये दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन डी आल तो वैसे भी गलत हो गया। इट मीन द ऑनली ऑप्शन वी कैन पिक ऑफ दिस क्वेश्चन इज फैराडेज लॉ, क्योंकि फैराडे लॉ में डेल्टा फ्लक्स मीन, गौर करें, फ्लक्स वन माइनस फ्लक्स टू, एंड फ्लक्स वन इज ऑल्सो अ क्वांटिटेटिव फैक्टर ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स टू इज ऑल्सो अ क्वांटिटेटिव फैक्टर ऑफ फ्लक्स। इट मीन द क्वांटिटेटिव कंसर्न फैक्टर टू फ्लक्स इज फैराडेज लॉ, इट इज द बेस्ट आंसर, हिंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है जनाब, डायनामो इंड्यूसेस डायनामिक ईएमएफ। देखो डायनामो नाम ही डायनामिक से निकला है, इट मीन ऑप्शन बी ठीक है, डायनामिक। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि एक कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 मीटर है, उसको 1 मीटर पर सेकेंड से मोशन दिया गया है एक मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी, भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ और मैग्नेटिक इंडक्शन का रेशियो बताओ, मोशनल ईएमएफ से लिया गया है तो आप कहोगे ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी, बी इस तरफ तो ईएमएफ बाई बी इज इक्वल टू,
ये होगा एल वी और दोनों वन है. इट मीन द रेशो ऑफ बोथ इज 1:1. हिंस करेक्ट आंसर इज 39 में करेक्ट आंसर है. करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी. फॉर 39 द क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन इज बी. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट 40 एंड इट सेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल पर टर्न इज 10 वोल्ट. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी. इट इज एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ. इट इज 10 वोल्ट लेकिन कितने टर्न्स के लिए? 1 टर्न के लिए. अब ये कह रहे हैं कि अगर इसमें n टर्न्स हो तो भाई हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ जितने टर्न्स के लिए होता है 2 टर्न्स टू मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टर्न्स टू मल्टीप्लाई बाय 3. इट मीन फॉर n टर्न्स दिस विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 10 वोल्ट. इट मीन n टाइम्स ऑफ 10 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर एंड इट इज ऑप्शन सी. थैंक यू वेरी मच. विश यू ऑल द बेस्ट.